हेलो गाइस, वेलकम इन अ टेक्निकल बाबा जी। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं रिफ्लेक्टर कैसे परमानेंटली यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी आईफोन डिवाइस या एंड्रॉयड स्मार्टफोन डिवाइस को हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिफ्लेक्टर की ज़रूरत होता है। तो रिफ्लेक्टर परमानेंटली अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए गाइस जस्ट गो इन बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देर इज़ अ डाउनलोड लिंक, और सिमिलर स्ट्रेटजी से आपको एग्जीक्यूट करके परमानेंटली यूज के लिए एक्टिवेट करनी है, देन यू कैन एंजॉय ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सो इसके लिए गाइस हमें टू वर्जन है, एक 64 बिट के लिए हैं और एक 32 बिट के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर की बिट चेक करेंगे। माय कंप्यूटर में जाने के बाद गाइस हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हम सिस्टम टाइप में आएंगे, यहाँ पे 64 बिट। सो हमें 64 बिट की ज़रूरत है यहाँ पे गाइस। सो इसके लिए हम 64 बिट पे इन करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करना चालू कर देंगे गाइस। सो नाउ सी गाइस हियर, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। सी गाइस, अब अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो यू मस्ट बी एश्योर योर सेल्फ दैट इंटरनेट कनेक्शन शुड बी कनेक्टेड, नो शुडंट बी कनेक्टेड विद योर कंप्यूटर, either it's your laptop or desktop। so जब भी आप इंस्टॉल करेगा इस आपकी इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से, ऑफलाइन आपको इंस्टॉल करनी है इसे, जब तक हम इसे परमानेंटली के लिए एक्टिवेट ना कर लें। सो सी गाइज है, मैं इसे कंप्लीट कर लिया गाइज। नाउ हम इसे ओपन नहीं करेंगे, इसे सिंपली हम रिफ्लेक्टर 3 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और डायरेक्टली हम इस पे ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे गाइस, और हम यहाँ पे परमानेंटली पेस्ट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मांग रहा है, रिफ्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन, स्किप द फाइल, कंपेयर इनफो फॉर द बोथ फाइल। सो जस्ट आई विल गो फॉर रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, आई विल गो फॉर कंटिन्यू श्योरली। नाउ सी गाइज, सिंपली हम यहाँ से कट कर देंगे, इसे ओपन करेंगे गाइज हम। थोड़ा सा पीसी स्लो वर्किंग कर रहा है गाइस इसके लिए। नाउ सी फाइनली इट्स ऑन। अगर हम इसे गाइस कनेक्ट करना चाहें अब और कास्ट करना चाहें, तो इसके लिए गाइस हम डायरेक्टली वाईफाई कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद गाइस हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, सिंपली हम गाइस स्क्रीन मिररिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे, कोड रिफ्लेक्ट होगा आपको 7140 और ओके कर देंगे हम गाइस। सो फाइनली सी गाइस, इट हैज बीन कनेक्टेड नाउ। नाउ सी इट्स ऑन live on desktop। so now see guys, आप directly जो भी कुछ करना है आप directly by a casting of course आप easily कर सकते हो।
So, how it's easy? By using this tool, no trial, it's a permanently used. So this is all about in this video tutorial, guys. Download link I have given below the description box. आप चाहे तो download कर सकते हो directly. और similar strategy से execute करनी है, then you can cast it. So this is all about in this video tutorial. अगर informative, acknowledgeable लगता है या beneficial someone, then please like, subscribe and leave a further. Any you have inquiry, then leave a comment below the comment box, guys. I will reply and of course I will try to solve your query. So this is all about in this video tutorial. Thank you for visiting Technical Babaji.